नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का ये सफ़र है तांदुला डैम और इसके तट पर बने नए नए तांदुला इको रिसोर्ट की। और अगर बात करें तांदुला डैम की, तो ये बसा है तांदुला नदी और सुखा नाला के संगम स्थल पर, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर बालोद जिले में। इस डैम का निर्माण कार्य 1910 में आरंभ हुआ और 1921 में संपन्न हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रकृति से जुड़े इस सुहाने सफ़र की। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ब्लॉग्स J09 में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तांदुला डैम और ये है मेरे पीछे पार्किंग एरिया। और यहाँ बाइक का पार्किंग चार्ज 20 रुपये, कार का 30 और बस का 50 रुपये है। और ये पार्किंग के एरिया के जस्ट बगल में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बड़ा सा बैनर, और ये बैनर है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। अच्छा, यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग की भी सुविधा है, काफ़ी सही जगह है ये डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। आपको डैम का लोकेशन मिल जाएगा, रहने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारा रिसोर्ट वगैरह मिल जाएगा, और काफ़ी बढ़िया है ये पार्टी के लिए हो या फिर पिकनिक के लिए हो या फिर आप बोलो डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और इधर आप लोग दाहिने की ओर आओगे तो आप लोगों को एक मूर्ति देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ माता की, और इनके हाथ में आपको हसिया और धान देखने को मिलेगा। और पीछे छत्तीसगढ़ का ये नक्शा काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, और यहाँ काफ़ी सारे लोग आकर के यहाँ फोटो सेशन को एंजॉय करते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये खूबसूरत तांदुला डैम का नज़ारा, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी खूबसूरत होगा और काफ़ी दर्शनीय है ये जगह। और यहाँ अपना एक नेशनल फ्लैग काफ़ी बड़ा सा देखने को मिलेगा, ये काफ़ी सही है। जगह जगह पे अपने को अपने देश को प्रमोट करना चाहिए और अपने नेशनल फ्लैग को भी प्रमोट करना चाहिए। और ये रिसोर्ट का एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए, अपन ये पूरा रिसोर्ट को आप लोगों को कुछ देर बाद पूरी तरीके से दिखाऊंगा। अभी मैं सीधा जाता हूँ डैम की ओर और अपन पहले डैम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके आते हैं। और यहाँ अपन आगे की ओर जाएँगे तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ एक बैनर बना हुआ है और ये लोकार्पण का पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसका लोकार्पण के मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब सीधा जाता हूँ डैम की ओर। ये व्यू मुझे काफ़ी सही लग रहा है यहाँ का, और काफ़ी बड़ा एरिया है इस डैम का। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये डैम बना है तांदुला नदी और सुखा नाला के संगम स्थल पर, और ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। तो ये रिसोर्ट का एरिया पार करने के बाद अपने को डैम से जस्ट पहले यहाँ काफ़ी सारा रेत वेत बिछा हुआ दिख रहा है। ये तो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है इधर कुछ। मुझे लगता है इस तरीके का छोटा छोटा और कुछ व्यू पॉइंट वगैरह बनाया जा रहा है या फिर कुछ और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये रेत पूरा बिछाया गया है। और इधर आप लोग देख सकते हो सीटिंग के लिए अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, चेयर वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ यहाँ शेड वगैरह बना बच्चों के खेलने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ झूला वगैरह बना हुआ है। और चलिए आगे की ओर चलते के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ फैसिलिटीज़। यहाँ एक वाटर पार्क कमिंग सून का बैनर लगा हुआ है, मुझे लगता है कि अगल बगल में एक अभी नया वाटर पार्क बनने वाला है, इसमें कुछ समय लगेगा अभी बनने को। और ये मेरे साथ मेरे पीछे अपन तीनों भाई दोस्त लोग आए हुए हैं साथ में पूरी तांदुला डैम को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये अभी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये बाइक, और इसका मुझे लगता है कुछ चार्जेस वगैरह है, आप देख सकते हो। चलिए मैं जाके काउंटर में मैडम से बात करता हूँ इसका राइडिंग का क्या चार्ज वगैरह है। हेलो, तो चलिए मैडम से ही बात करते हैं, मैडम बताएगी अपने को बाइक का यहाँ क्या चार्जेस है, थोड़ा बता दीजिए मैडम। सर, वो एक राइड का पर पर्सन 200, अगर एक ही बाइक में दो लोग जाओगे तो 300, एक राउंड लगानी है ट्रैक गए सामने। अच्छा, तो जैसा दोस्तों मैडम ने बताया यहाँ ट्रैक बना हुआ है प्रॉपर, और एक राइड का 200 और 300 दो ही यहाँ पे चार्जेस लिया जाता है। और ये काफ़ी कूल सा लगा मुझे, तो ये कुछ नया तरीके का जो अपन जनरली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। और इधर काफ़ी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, चलिए इनसे भी थोड़ा बातचीत करता हूँ, इनको यहाँ का जगह कैसा लगा। जय श्री राम भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग कितने बजे आए हो यहाँ? लगभग 12-1 बजे। कैसा लगा ये जगह आप लोगों को? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए पहले पूछो? कहाँ से आए हम लोग? दुर्ग जिले से आए हैं। मैं भी आया हूँ। नमस्कार, मैं भाजपा के जिला महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग घूमने आए, बच्चों लोग की वेकेशन छुट्टी लग गई है तो अपना घूमने आए हैं, बच्चों लोग को घुमाने आए हैं।
जी। कैसा लगा ये जगह? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। हाँ, अपना छत्तीसगढ़ में नया नया पर्यटन स्थल देखने लायक बनते जा रहा है, वो हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। और बच्चों लोग के लिए तो और मस्त है घूमने के लिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, अपन ये राइड तो नहीं करेंगे, अपन करेंगे यहाँ बोटिंग, क्योंकि अपन आए हैं डैम घूमने और डैम का मज़ा है बोटिंग करने में। तो चलिए अपन जाते हैं बोटिंग का टिकट लेने के लिए। और अपन चार लोग हैं मैडम, चार लोगों के लिए बोटिंग का टिकट चाहिए। 1000? ओके, ओके ओके, ठीक। तो यहाँ बोटिंग का चार्जेस है, कौन सा बोटिंग मैडम? स्पीड बोट सर। दोस्तों, अपन पहुँच गए हैं तांदुला डैम के सामने और अपन बोटिंग का टिकट ले लिए हैं। पर हेड 250 रुपया यहाँ बोटिंग का चार्ज लिया गया और अपन चार लोग बोटिंग के लिए आ गए हैं। ये देख सकते हो आप लोग, बोटिंग का एरिया काफ़ी शानदार। और आपको अगर यहाँ से मैं रिसोर्ट वाला एरिया दिखाऊँ तो देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ से ये रिसोर्ट का एरिया लुक वाइज। और यहाँ जो नेशनल फ्लैग जो अपना है ये भी काफ़ी लहराता हुआ, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। देख सकते हो काफ़ी शानदार है यहाँ का एरिया। तो चलिए अब अपन चलते हैं सीधा बोटिंग के लिए। यहाँ आपको बोटिंग का 2 या 3 वैरायटी मिलेगा। एक तो एक ये छोटा सा चप्पू वाला, जिसे आपको खुद से चप्पू चला के यूज करना होगा, और स्पीड बोट, और एक सिंगल राइड स्पीड बोट। तो चलिए अब अपन चलते हैं सीधा आगे की ओर। और ये बोट वाले भैया ये करते हैं बोटिंग का एंट्री। तो भैया, आप लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो? मेरे को हफ्ता भर हो रहा है सर। अच्छा भैया, यहाँ एक हफ्ते से काम कर रहे हो, चलिए बढ़िया। ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये तांदुला डैम काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा है इसका एरिया। और यहाँ से पीने का पानी का सप्लाई दुर्ग नगर निगम को और भिलाई स्टील प्लांट के लिए भी जाता है। तो ये काफ़ी गर्व की बात है, हम ऐसे डैम में घूमने के लिए आए हैं। ये आप लोग देख सकते हो बोट यहाँ काफ़ी सारा है और यहाँ भैया लोग काफ़ी आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये बोट वाले भैया जो कि बोट को राइड करते हैं, और ये अपना बोट स्टार्ट हो गया है। और अब अपन एक राइड या दो राइड करके वापस आएंगे इसी जगह पे। और ये देख सकते हो आप लोग पूरा तांदुला डैम, इसका व्यू काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और ये मेरे साथ आया हुआ है मेरा दोस्त आशीष, मेरे भैया अजय और अनूप। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस। और ये भैया एकदम जोरदार तरीके से बोट को चला रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ बोटिंग में। आप लोग भी अगर एक बार तांदुला डैम आओ तो बोटिंग किए बिना यहाँ से जाना मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ी है। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ बोटिंग करने में। और ये आप लोग देख सकते हो लहर, एकदम दिल खुश हो गया भाई। दोस्तों, मैं अभी हूँ तांदुला डैम के एकदम बीचों बीच, काफ़ी मज़ा लगा मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस और काफ़ी मज़ा आ रहा बोटिंग के लिए। और ये देख सकते हो आप लोग, सारे तरफ पूरा पानी ही पानी और बीच में अपन 5 लोग, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ। और ये यहाँ का बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है, और ये हमारे भैया जो बोट के राइडर है, ये काफ़ी अपने को स्मूथ तरीके से बोटिंग का मज़ा दिलाए और काफ़ी अच्छा लगा अपने को। और अब अपन यहाँ से एक राउंड पूरा करने के बाद वापस जाएंगे बोटिंग के मेन जगह पे। दोस्तों, अगर यहाँ बोटिंग की बात करें तो छोटे से बड़े बोट मिला के लगभग 12 से 14 बोट हैं यहाँ। और ये बोट तो काफ़ी बड़ा है, इसमें लगता है मुझे 20 लोग आराम से आ जाते हैं। और ये एक उससे छोटा मिनी बोट, इसमें करीबन 10 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है। और बाकी अपन जिसमें राइड किए उसमें 4 से 5 लोगों के लिए है। और काफ़ी सही बनाया गया है यहाँ बोटिंग का एरिया और काफ़ी जोरदार लगा मुझे यहाँ बोटिंग करके। और ये बोट भी काफ़ी शानदार लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, ये यामा कंपनी का बोट। अपन कर लिया है यहाँ राइड और अब अपन चल रहे हैं पूरा रिसोर्ट की ओर। और अपन करते हैं पूरी रिसोर्ट को एक्सप्लोर और देखते हैं रिसोर्ट में क्या क्या है और कैसा है यहाँ का रिसोर्ट। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ नया टॉयलेट वगैरह बन रहा है और इसी के आगे की ओर एक नया वाटर फाउंटेन या फिर वाटर पार्क वगैरह बनाया जा रहा है। तो चलिए अपन आगे जाके देखते हैं कितना काम पूरा हुआ है और कितना टाइम लगेगा।
इसे बन के कम्प्लीट होने में लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। उसके बाद ये जगह और काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा अगर पिकनिक के दृष्टिकोण से अगर बोला जाए तो। फिर यहाँ बच्चों के लिए और भी काफ़ी कुछ इंटरटेनमेंट का साधन हो जाएगा, और बच्चों के अलावा यहाँ मुझे लगता है बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ बनने वाला है इंटरटेनमेंट के लिए। स्विमिंग पूल वगैरह बनेगा और वाटर पार्क वगैरह बनेगा, और इसमें मुझे लगता है इस डैम का पानी का पूरा यूज किया जाएगा जो कि काफ़ी सही है। और ये जो है पर्यटक स्थल में इस तरीके की चीज़ों से लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा मनोरंजन का साधन होता है, और लोगों के लिए भी ये रोज़गार का एक काफ़ी अच्छा साधन बन रहा है। दोस्तों देख सकते हो अपन आए हुए थे ऊपर, एक व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ दो, जहाँ से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तांदुला डैम को पूरी तरीके से देख सकते हो। और ये देख सकते हो व्यू पॉइंट, और इसके पीछे इधर आप लोग देख सकते हो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, और ये पीछे काफ़ी सारा रिसोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा अच्छा छोटा छोटा चट्टानों का अरेंजमेंट करके बनाया गया है बैठने के लिए, और यह एक व्यू पॉइंट ही है, और इससे भी आप लोगों को बैठ के देखने में डैम को काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारा गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, और यहाँ काफ़ी मजदूर लगे हुए हैं काम में, और ये अभी लगता है मुझे कम से कम 2-4 महीने में काफ़ी सारा यहाँ गेस्ट हाउस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप लोग यहाँ कितनी भी दूर से आओ, छत्तीसगढ़ के या फिर बाहर राज्य से किसी भी कोने से अगर यहाँ आओगे, तो आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए और खाने पीने में कोई असुविधा नहीं होगी, और आप लोग इस जगह को पूरा इंजॉय करके जाओगे। आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये एरिया को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है, ये गार्डनिंग के लिए काफ़ी कुछ यहाँ किया जा रहा है, और 2 से 3 महीने में यहाँ का नज़ारा पूरा चेंज हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत कर दिया जाएगा इस जगह को। और अपन लगभग इस तांदुला डैम को पूरी तरीके से घूम लिए हैं, और अब अपन निकल के जा रहे हैं बाहर की ओर। और अभी अपना आज लंच अपन घर से ही लेकर के आए हैं, तो यहीं पे अपन पिकनिक के जैसा मस्त इंजॉय करके जाएंगे जगह को। तो अगर आप लोग भिलाई के और दूर के आसपास के शहरों से अगर आ रहे हो, तो आप लोग भोजन वगैरह अपने साथ लेकर के आ सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ भी आप लोगों को खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हो ये मेरे पीछे पूरा रिसोर्ट का गार्डनिंग का एरिया, अभी ये गार्डनिंग का एरिया अभी ये प्रोसेस में है, यहाँ का काम भी प्रोसेस में है, और ये मुझे लगता है बन के कम्प्लीट होने में 1.5-2 महीना कम से कम लग जाएगा। और ये गार्डनिंग का एरिया काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है, और बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और चलिए अब अपन आगे जाके दिखाते हैं यहाँ और कुछ मुझे नज़र आया है। यहाँ एक स्टेचू है गौतम बुद्ध का, और ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, और यहाँ आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ डेकोरेट किया जा रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। देख सकते हो आप लोग काफ़ी यहाँ पानी का स्रोत यहाँ दिया गया है, यहाँ और कुछ कुछ बनाया जाएगा। दोस्तों अब अपन निकल के जा रहे हैं इस तांदुला डैम के एरिया से बाहर और अपने पार्किंग एरिया की ओर, और अब अपन निकलेंगे यहाँ से बाहर घर की ओर, और अपन खाना होना बाहर बैठ के कहीं खाएंगे। और ये मेरे साथ कहाँ गया हीरो आशीष, कैसा लगा भाई तेरे को ये जगह? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा, फुल इंटरटेनमेंट जगह है। इनको कैसा लगा यहाँ का जगह? बहुत 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 मज़ा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अपन साथ में घूमे फिरे, बस बोटिंग में भी मज़ा आ गया, मजा क्या मज़ा आ गया। अरे सबको से भी बोलते हैं कि आइए यहाँ और इन्जॉय कीजिए, और देखिए आप लोग भी एक बार यहाँ ज़रूर आए और जगह को इन्जॉय करके जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।